वेलकम टू आमिक रिजल्ट का, मेरा नाम है अमृत। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को अपने पैर गोरे और मुलायम अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि धूप के कारण, मिट्टी के कारण और कई ज़्यादा डस्ट के कारण हमारे पैरों में टैनिंग सी हो जाती है। हमारे चेहरे के मुकाबले जो पैरों की स्किन होती है वो थोड़ी डार्क लगने लगती है और धीरे धीरे करके जो टैनिंग है दोस्तों वो डार्क पिगमेंटेशन बन जाता है और फिर हमारे जो पैरों की स्किन है वो बिल्कुल भी हमारे बाकी बॉडी कलर से मैच नहीं करती और फिर वो देखने में भी ख़राब लगता है। तो आज मैं आपको पैरों को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ कि घर पर ही रहकर आप अपने पैरों को बहुत ही अच्छी से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक बकेट में मैंने गर्म पानी ले लिया है। जितना आप अपना हाथ डाल सके उस हिसाब से आपको गर्म पानी लेना है। जितना आप अपना हाथ पैर आसानी से डिप करके रख सके उतना आप पानी को गर्म ले, और पहले तो आप हाथ डाल के चेक कर ले, पानी गर्म ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ठंडा पानी आप इसमें मिला लें। तो पानी मैंने यहाँ पे बकेट में इसलिए लिया दोस्तों ताकि पैर जो है आसानी से इसमें डिप हो सके। तो पैरों को डिप करने के लिए पानी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है दोस्तों, और ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है और जो हमारे पैरों के स्किन में जो टैनिंग हो जाती है उसे बहुत ही इजीली रिमूव करता है लेमन जूस। और नींबू की मदद से जो हमारे पैरों में डेड स्किन सेल्स होते हैं वो भी आसानी से निकल जाते हैं। तो नींबू को पूरी तरीके से स्क्वीज करने के बाद तो मैंने यहाँ पे ये इस नींबू के छिलके को भी इसमें ही डाल दिया है और बाकी मेरे पास कुछ और छिलके थे उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। जब भी आप नींबू के रस को अलग कर लेते हैं नींबू के छिलके केवल बच जाते हैं, तो नींबू के छिलके को आपको फेंकना नहीं दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल होते हैं वो। तो मैं भी नींबू के छिलकों को बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से ही नींबू के छिलके का कहीं ना कहीं पे यूज़ मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि शायद ही आपको ये पता होगा दोस्तों कि नींबू के रस से ज़्यादा नींबू के छिलके हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालने वाले हैं दोस्तों वो है नमक, सादा नमक जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही नमक मैंने यहाँ पे लिया है। करीब 1.5 से 2 बड़े चम्मच नमक मैंने यहाँ पे लिए हैं। नमक जो है दोस्तों स्क्रब की तरह काम करता है और हमारे पैरों में जमे डेड स्किन सेल्स को बहुत ही आसानी से निकाल देता है। नींबू और नमक से हमारी स्किन जो है बहुत ही अच्छी से क्लीन होती है, हमारी स्किन की बहुत बढ़िया तरीके से सफाई भी होती है। अब आप इसमें डालिए थोड़ा शैम्पू। तो शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है वही आपको लेना है, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू आप ले सकते हैं। इससे हमारे पैरों की जो क्लीनिंग है बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी और हमारे पैर भी सॉफ्ट लगेंगे। इस तरीके से अगर आप पैरों को क्लीन करेंगे ना, आपके पैरों की डेड स्किन सेल्स को ये नुस्खा हटा देगा और साथ ही आपके जो स्किन है स्किन टोन को लाइट करने का ये काम करेगा। आप कहीं बाहर से पेडिक्योर वगैरह कराते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, साथ ही आप यदि इस तरीके से घर में करेंगे ना दोस्तों तो आपके पैर भी क्लीन हो जाएंगे और साथ ही पैसे भी बच जाएंगे। तो ये जो सोल्यूशन हमने बना के रखा है दोस्तों, इससे आपको अपने पैरों को 10 मिनट तक कम से कम डिप करके रखना है, इससे आपका सन टैन भी दूर हो जाएगा। तो इस तरीके का सोल्यूशन बनाकर कम से कम 15-20 दिन में एक बार आप अपने पैरों को ट्रीटमेंट घर पर ही ज़रूर दें। इससे आपकी एड़ियां कभी फटेंगे नहीं, आपके पैर हमेशा सॉफ्ट बने रहेंगे और साथ ही पैरों की चमक बनी रहेगी और पैर आपके सुंदर लगेंगे। आपको इससे एक ही बार के इस्तेमाल से इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हर 15-20 दिन में एक बार तो आप इसे करेंगे ही करेंगे और ज़रूर आपको करना ही चाहिए, जिससे आपके पैरों की गंदगी दूर हो जाएगी, आपके पैर साफ बने रहेंगे और 10 मिनट बाद आप खूब अच्छे तरीके से अपने एड़ियों को स्क्रब कर ले इस अप्यूमिक स्टोन से। ये स्टोन आपको किसी भी ब्यूटी शॉप में मिल जाता है या फिर आजकल मेडिकल में भी ये आपको मिल जाता है और आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आपको चाहिए तो लिंक आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे सारे डार्क स्पॉट्स आसानी से निकल जाएंगे, स्किन का पीलापन जो होता है वो भी निकल जाएगा और साथ ही जो हमारे पैरों पर डेड स्किन सेल्स है वो भी निकल जाएंगे। ऐसा यदि आप 15-20 दिन में एक बार करते हैं ना दोस्तों, तो आपकी जो डार्क हो गई हुई स्किन है वो भी लाइट हो जाएगी और डेड स्किन सेल्स हटने से इस तरीके से आप रब करते हैं ना दोस्तों, तो अपने ही आपकी त्वचा जो है पैरों की निखर जाएगी। ये जो फीट वाइटनिंग का वीडियो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो मेरे कहने से आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। 15 दिन में कम से कम 15 मिनट आप अपने पैरों को ज़रूर दे दोस्तों, इससे आपके पैर हमेशा सुंदर बने रहेंगे। यदि आपके पास इस तरीके का प्यूमिक स्टोन नहीं है दोस्तों तो घबराने की कोई बात नहीं, आप टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम पैरों का ध्यान रखना भूल जाते हैं।
और ध्यान नहीं देने की वजह से एड़ियाँ फटने भी लगती है, दरारें बढ़ने लगती हैं और जिसकी वजह से खून भी आने लगता है कभी कभी दरारों से। तो आपको हमेशा अपने पैरों का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, मेहमान आते हैं घर में, तो हम पैरों की वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस हो जाती है कभी कभी, पैर जो है फिर ख़राब दिखने लगते हैं जिसकी वजह से पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट होता है। तो मेरे बताए गए इस तरीके से आप 15 दिन में एक बार अपने पैरों को ज़रूर से ज़रूर क्लीन करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे टूथब्रश ले लिया है और नाखूनों को इस तरीके से आप टूथब्रश की मदद से बस स्क्रब कर लें, अपने पैरों के ऊपर वाले पार्ट में आप स्क्रब कर लें, क्योंकि प्यूमिक स्टोन की मदद से हमने नीचे के तलवे को तो हमने स्क्रब कर लिया है, और जो ये टूथब्रश है उससे हम ऊपर के स्किन पर भी थोड़ा हल्का हल्का बस हल्का हल्का सा स्क्रब कर लेंगे, इससे सारे डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे। उसके बाद जो दोस्तों हमने लेमन के छिलके जो इसमें डाले हैं, तो उन लेमन के छिलकों से भी आप अपने पैरों को स्क्रब कर सकते हैं। लेमन में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, साथ ही विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होते हैं, तो लेमन से यदि आप इसे स्क्रब करते हैं तो क्या होगा, इससे हल्का फुल्का जो भी इन्फेक्शन भी होगा अगर आपके पैरों पर, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है हमारा, लेमन जूस, ल्यूकवॉर्म वाटर, शैम्पू और नमक जो हमने इसमें डाला है, ये एक मैजिकल सोल्यूशन है दोस्तों आपके पैरों के लिए। इस सोल्यूशन से आप अपने हाथों को भी क्लीन कर सकते हैं। आप खुद ही इस्तेमाल करके देखेंगे दोस्तों, आपको खुद ही अंतर महसूस होने लगेगा कि वाह कितने हमारे पैर जो है वो सुंदर दिखने लगे हैं, साफ सुथरे हो गए हैं। अब बस अपने पैरों को साफ़ पानी से हम धो दें। इतना वक्त तो आप ज़रूर निकालें दोस्तों अपने पैरों को साफ़ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए और स्मूथ रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए, तो इतना केयर आप ज़रूर करें, इतना टाइम आप ज़रूर निकालें, मतलब 15 दिन में कम से कम 15 मिनट अपने पैरों को ज़रूर दें। ऐसा करने से हमारे हाथ पैरों की स्किन भी जो है हमारे चेहरे की स्किन से मैच करेगी, इससे जो धूल मिट्टी है, डस्ट है, जो पिगमेंटेशन है, जो डार्क स्किन स्पॉट्स हैं, वो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको खुद ही महसूस होगा कि जो आपकी फटी एड़ियाँ भी होंगी ना दोस्तों, तो वो भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, ठीक होने लगेंगी। यदि आपको फटी एड़ियों से शिकायत रहती है दोस्तों, तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, कोशिश करें कि आप अपने पैरों को धूल मिट्टी से ज़रूर बचाए रखें, साथ ही जब भी आप बाहर से आते हैं तो पैरों को ज़रूर धोएं और पैरों को आप साफ़ सुथरा रखें, और उसके बाद आप पैरों पे क्रीम, कोई भी क्रीम आप ज़रूर लगाएं। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं अपने पैरों पर, या फिर अगर आप चाहें तो वैसलीन जो जेली होती है ना, पेट्रोलियम जेली दोस्तों, वो भी आप लगा सकते हैं। आपको ऐसा करने से 100% रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लोजअप लुक आपको बता रही हूँ, पैरों में कितनी अच्छी चमक है और जो स्किन टोन है दोस्तों, चेहरे की स्किन टोन से बिल्कुल मैच खा रहा है। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।